गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। सकारात्मक नजरिया आपको खुशियों और सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप जीवन के प्रकाशित पहलू को देखते हैं तो आपका पूरा जीवन ऊर्जावान नजर आता है। आपका नजरिया ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पर्यावरण और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक नजरिया रखें। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 22 मई का दिन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि की बात करें तो आज शाम 6:48 तक रहेगी। वहीं दोपहर 12:37 तक वर्यान योग रहेगा। आज स्वाति नक्षत्र है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर में आपका दिन काफी बेहतर गुजरेगा। हालांकि अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए पूरा आराम करें, क्योंकि थका हुआ शरीर दिमाग को भी थका देता है। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की भी कमी अभी नजर आ रही है। हालांकि आज आपके माता पिता की सेहत आपकी चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात करें तो धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। पिता का तलख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए आपको बस शांत रहना है। नौकरी में आपको तरक्की के मौके मिल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी जाकर तरक्की आज आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आज आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, मगर गर्मी में घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आपको एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि लू लगने के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। आपको बहुत अधिक उन्नति के मौके मिल सकते हैं। आपके कर्मचारी भी अपना कार्य आज पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे। ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आप निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से आज मिलेंगे जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे। हालांकि परिजनों के साथ कई मामलों में आपकी सहमति जो है वो नहीं बन पाएगी और इससे रिश्ते कमजोर होने की संभावना बन रही है। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात करें तो आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस प्रतियोगिता में आज कदम रखेंगे वहां पर आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग करेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दफ्तर के कामों में आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं इस राशि के कुंवारे जातकों की बात करें तो विवाह के प्रस्ताव आज आपके लिए आ सकते हैं, मगर हम आपको सलाह देंगे कि किसी भी प्रस्ताव के लिए सोच समझकर ही हाँ करें। सिंह राशि के लोगों की बात करें तो अपने पुराने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान आज आपके दिन को बहुत खास बना सकता है। आपका स्वास्थ्य पहले के मुकाबले में कुछ ठीक रहेगा। हालांकि आज खर्चे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर आपने शेयर मार्केट में अपना पैसा निवेश कर रखा है तो भविष्य में आपको बहुत अधिक काम ये आ सकता है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो आपके पक्ष में ही रहेगा। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। हालांकि आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि आप अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिता पाएंगे।
कन्या राशि के लोगों की बात करें तो आज के दिन किए गए दान पुण्य के काम आपको मानसिक शांति और सुकून देंगे। आज के दिन धन हानि होने की संभावना है, इसलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को आर्थिक मामले में भी आज लाभ होने के योग बन रहे हैं। हालांकि आपका मन अपनी संतान के भविष्य को लेकर आज हो सकता है कि थोड़ा परेशान रहे। वहीं दूसरी ओर अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो ये भी आपके लिए लाभदायक ही रहेगा। तुला राशि के लोगों की बात की जाए तो दिन आज आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा, हालांकि खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग कर सकती है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगह पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। निजी मसले की बात करें तो उन पर आप ज्यादा बात ना करें तो सही रहेगा। ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हों। आज जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो सकता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो दिन अच्छा ही रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों की बात की जाए तो स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। मौसम के बदलाव के कारण आपके शरीर में कुछ थकावट आपको महसूस हो सकती है। निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो निवेश के लिए ये दिन अच्छा है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें, ये हिदायत हम आपको देना चाहेंगे। अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की आज कोशिश ना करें, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित होगा बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज कर सकता है। आप अपनी वाणी पर आज नियंत्रण रखें, किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, ये आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं देगा। धनु राशि के लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी का पूरा साथ आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे, आज आपका दिन बहुत बेहतर पारिवारिक तौर पर रहने वाला है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किलों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। आउटडोर गतिविधियां काफी थकान देने वाली होंगी और ऐसे में आपको जाहिर सी बात है तनाव भी होगा। हालांकि लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होंगी। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। मकर राशि के लोगों की बात की जाए तो आज खुशी से भरा हुआ अच्छा दिन आपके लिए है। दफ्तर में भी दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। युवा जातकों की बात करें तो अपने गुस्से पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है और अगर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो छोटा सा झगड़ा विवाद का रूप धारण कर सकता है। आपका स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा, लेकिन गर्मी के कारण सिर में दर्द हो सकती है, ऐसे में सावधान रहें। हल्की परेशानी अगर आपको महसूस होती है तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों की बात की जाए तो घरेलू परेशानियां आपको तनाव दे सकती हैं। आज गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से अगर कारोबार को आगे बढ़ाने की कोई सलाह लेते हैं तो ये उनके काफी काम आ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो दफ्तर में आपके कंधों के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है और इससे आप थोड़ा सा तनाव भी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कुल मिलाकर बात करें तो आज आप धार्मिक क्रियाकलाप करने में भी अपनी रुचि दिखाएंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। मीन राशि के लोगों की बात करें तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी नौकरी बदलने के बारे में अगर आप कोई भी विचार अपने मन में ला रहे हैं तो हम आपको यही नसीहत देंगे कि सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि पुरानी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा, मगर आप
तेज धार वाली चीजों से आज सावधान रहें, उनसे बचने का प्रयास करें। व्यापार में भी धन लाभ के योग हैं और इस धन का इस्तेमाल आप आने वाले समय में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। युवा लोगों की बात की जाए तो शादी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और आपके परिवार के सदस्य काफी खुशी भी इस कार्यक्रम में करेंगे। जाहिर सी बात है, ये उत्सव होगा आपके विवाह का, तो योग आपकी शादी के भी बन रहे हैं। तो ये था आज का राशिफल। इसी के साथ कामना करते हैं कि आपका आज का दिन भी मंगलमय होगा। नमस्कार।